बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। 10 साल यानी कि पूरा एक डिकेड हमने अपने ज़िंदगी का इंडियन आइडल को दिया है, लेकिन आई हैव गॉट नो रिग्रेट्स नो कंप्लेंट्स, क्योंकि एक तो हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कोने कोने में हमको लगता है टैलेंट छुपा हुआ है, और बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट मिला। बहुत प्यारे प्यारे जजेस के साथ मेरे को जजेस रहे हैं, जब पहले थे तो सीज़न 1 सीज़न 2 से लेकर आज तक वी हैड ए ग्रेट जर्नी। लेकिन मैं टू कट द होल थिंग शॉर्ट, मैं बताना चाहता हूँ सीज़न 10 है इंडियन आइडल का, एंड मैं ये बिल्कुल विदाउट, ये नहीं कि हम लोग मीडिया पर सामने बात कर रहे हैं, जनरली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट जो मिला है वो मुझे सीज़न 10 में एज अ जज मिला है, एंड ये खुशी की बात है कि क्लैप फॉर योरसेल्फ। ये कहना चाहता हूँ विद विशाल डडलानी एंड नेहा, इट्स बीन एन ऑसम जर्नी सो फार, और अच्छा ही रहेगा बिकॉज हम लोग तीनों एक सेम पेज पर हैं, और एक मोहब्बत है, एक अंदाज़ है, एक दूसरे की इज्जत है, रिस्पेक्ट है उनकी कला की। नेहा एज अ कंटेस्टेंट केम इनटू इंडियन आइडल एंड शी इज़ अचीव दैट, नाउ शी इज़ अ जज विद अस। विशाल डडलानी की जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज ही कम्स नॉट ओनली एज अ ग्रेट कंपोजर बट अ फैंटास्टिक सिंगर, और जो मोहब्बत उन्होंने मेरे काम को और मुझे दी, आई फील वेरी ऑनर्ड। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ जितने हमारे जितने सिंगर्स हैं जो हमें मिले हैं, जो नहीं भी बनेंगे इंडियन आइडल, जो नहीं जा सकेंगे आगे, मैं दावे से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, इन सबको बहुत काम मिलेगा इंडस्ट्री के अंदर। एंड ये कहीं जो हर बार सवाल उठता है कि भाई ये सिंगर्स कहाँ चले जाते हैं, एटलीस्ट दिस सीजन के सिंगर बताना चाहता हूँ जो टॉप 30 हैं उनमें से कोई कहीं नहीं जाने वाला है, इन लोग रहने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट एंड दिस मंच ऑफ इंडियन आइडल। सो फॉर मी इट्स बीन फैंटास्टिक। नो डाउट, मेरी शुरुआत ही एक्चुअली बॉलीवुड की इंडियन आइडल से हुई है, और इंडियन आइडल ने मुझे मेरी लाइफ का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दिया था, मैं पूरे वर्ल्ड को अपना टैलेंट दिखा पाई थी, तो मेरे लिए वो लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट थी। इनफैक्ट आई हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ, मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे ये बड़ी खुशी की बात है, मैंने गाने जितने भी गाए हैं हर एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। लेकिन पता है मुझे, मैंने हर किसी को ये एक बात बोली है कि मेरे लिए लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक की जो रही है वो ये इंडियन आइडल पे मेरा जज बनना है, क्योंकि मेरी शुरुआत इंडियन आइडल से हुई थी। मैं एक छोटी सी लड़की 17 साल की जो आई थी इंडियन आइडल में, और आज मैं एक यू नो रिनाउंड प्लेबैक सिंगर, नॉट ओनली प्लेबैक सिंगर, एज अ सेलिब्रिटी सिंगर जानी जाती हूँ, पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करती हूँ, एंड बहुत खुशी होती है इस बात की, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। मेरी लाइफ की, फिर से कहूँगी, लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट है कि मैं जिस शो को मैंने एज अ कंटेस्टेंट किया, आज मैं वो शो जज कर रही हूँ। वो क्या है कि अनु जी ऐसे जोक करते रहते हैं, मैं सुन के हंस हंस के गिर पड़ा था। होता है स्पेशली जो अर्ली ऑडिशंस में ऐसा होता है। नहीं, वो जोक एक्चुअली नहीं थी, वो एक शायराना अंदाज में कुछ ह्यूमरस उन्होंने बोला था, जो कि रोसेस आ गए थे आपको। हां बिल्कुल, गिर गए थे और यहां पे गोली गोली पे चोट आ गई। आई वाज नो ही इज सो फनी। आई थिंक यू नो व्हाट, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं उनमें सिंगिंग तो होती ही है, बहुत और बहुत ज़रूरी होती है। हमारे इंडियन आइडल में भी सिंगिंग बहुत 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 ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे इंडियन आइडल में मतलब पूरा भरा हुआ है। सो नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो गोना बी देयर, एंड बहुत सारा क्रेडिट जाता है अनु मलिक जी को। आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब। आई कांट से दैट टू यू, बट वो यू मस्ट वॉच इट, यू मस्ट वॉच इट, वो क्योंकि वो मजा आएगा, एपिसोड का खास भाग है वो। वो अचानक कोई सिंगर आए तो विशाल वाज इन अ वेरी सीरियस मूड। कैसे सिंगर आए सर? वो कमाल का सिंगर, मतलब इंतहा थी उनकी, और वो सिंगर जब गाना गा रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मेरे अंदर का एक दूसरा अनु मलिक निकला, और विशाल ने पहले तो
मैं उस वाले अनु मलिक से इतना वाकिफ नहीं हूँ। सडनली जब मैंने कुछ बात बोली तो विशाल अच्छे खासे बैठे थे, पहले तो ही लीन बैक, तो ऐसा बेबी इज ट्राइंग टू रिलैक्स, और फिर पता लगा ही वाज लाफिंग लाफिंग सो मच, वो गिर गया और इतने जोर से गिरे उनके पूरा ये यहाँ पूरा हिस्सा एकदम छिल गया और वो खून निकल रहा था, लेकिन और शायद अभी उनको गुस्सा आएगा यार गिर गए, वो और हंसते हुए खून दिखाते हुए और हंसते हुए, एक्चुअली वो तो रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, वो एक्चुअली रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग एक्चुअली हुआ, बट वी हैड सम ग्रेट मोमेंट्स टुगेदर और ये तो शुरुआत है, बिकॉज़ आई थिंक टू टेल यू द ऑनेस्ट ट्रुथ विद मी नेहा एंड विशाल, आई शुड नॉट से दिस, बाकी तो जनता बताएगी, बट आई फील दिस इज बाय फार बीइंग वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पैनल ऑफ जजेस, बिकॉज choosing singers is not easy, jinko reject kiya jata hai unko bhi humko, we don't want to say no to them, but hamara ye raha hai ki we three have decided ke jab hamare singers aayenge to everyone will understand why we choose them and for what, and jitne bhi mausikar hamare hindustani film hindi film industry mein hai they should actually phone us up and say you got us great talent, you have given us a gift to the industry, that's our एक से नहीं पांच पांच से आपको बोला मैं बताना चाहता हूँ जितने यहाँ सिंगर्स हैं, नितिन अंकुश इंदिरा योर असलम जिया असलम भाई और सलमान अवंती वैशाली वैशाली एंड यू नो ये सब की अपने अंदाज है, मैं चाहता हूँ वाकई जनता के, हमने जितनी तारीफ की हमारे सिंगर्स की और मुझे पता है